हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। आज हम सूर्य देव को अर्घ कैसे दें इसके बारे में बात करेंगे और आपको बता भी देंगे। आप ज़रूर इस तरह अर्घ देकर, सूर्य को अर्घ देकर देख लीजिएगा। और विशेष उद्देश्य से कैसे अर्घ देते हैं और विशेष उद्देश्य में करते समय क्या डालना है वो पानी में, इसके बारे में भी मैं बताएंगे। तो पूरा देखते रहिए, एंड तक आप सुनते रहिए, तभी आपको पता चलेगा। स्वास्थ्य के लिए और शीघ्र विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन सुखद बनने के लिए, शिक्षा और एकाग्रता के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए जल, इसके बारे में मैं अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्यदेव को अर्घ कैसे देते हैं, किस तरह के पात्र में देना चाहिए। तो चलिए लास्ट तक बनते रहिएगा। हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही उनकी उपासना होती आ रही है। सूर्यदेव की कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। जब श्री विष्णु धरती पर श्री राम रूप में अवतरित हुए थे, तब वे भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे। महाभारत काल में कुंती, कर्ण इत्यादि भी सूर्य की पूजा करते थे। दरअसल सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। इसलिए हम सूर्यदेव की मूर्ति या छाया चित्र लगाकर नहीं पूजा करते हैं, क्योंकि ये साक्षात प्रकट दिखने वाले एक देवता है। अभी हम देखते हैं कि सूर्य कृपा पाने के फायदे। मान्यताओं के अनुसार यदि आप पर सूर्य की कृपा है तो जीवन और कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती है, साथ ही साथ धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता रहता है। आपके कौशल में निखार आता है, जिससे आपका व्यापार और कामकाज अच्छा होने लगता है। और ये भी नहीं, किसी भी तरह की आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो उसके पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती चली जाती हैं। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य कृपा कैसे मिलेंगे? सूर्य कृपा के लिए जल चढ़ाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को पिता या ज्येष्ठ का दर्जा दिया जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो और उनका ताप अधिक हो, तो उसे सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि, किस तरह हमको जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि सुबह सुबह जब सूर्य दिखने के एक घंटे के अंदर उनको अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार सूर्य को अर्घ देने का समय सुबह 8 बजे तक का ही है। नियमित क्रियाओं से निवृत्त होकर और स्नान करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। अर्घ नदी के पानी में खड़े होकर भी दे सकते हैं और घर पर भी दे सकते हैं। यदि आप अर्घ घर पर दे रहे हैं तो चटाई या कुश का आसन बिछाकर उस पर खड़े होकर अर्घ दें, और लोटे से गिरता हुआ जल आसन पर गिरना चाहिए, ज़मीन पर नहीं। यदि जल ज़मीन पर गिरता है तो सूर्य की सारी ऊर्जा ज़मीन में चली जाती है। गिरते हुए जल में आपके पैरों में चीटे लगते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। दोनों हाथों से तांबे के लोटे को पकड़कर ऊंचा करके सूर्य देव को देखते हुए सूर्य मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे जल गिराना चाहिए। सूर्य की किरणें आपके चेहरे और पूरे शरीर पर गिरनी चाहिए। एक बात और सुनिश्चित करिए कि आपको अर्घ देने के लिए जो पात्र लेते हैं वो तांबे के पात्र में ही लेना चाहिए। ताज़ा और पवित्र जल भी होना चाहिए। उसी जल में मिश्री भी मिलाएं। कहा जाता है कि सूर्य को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के दूषित मंगल का उपचार होता है।
जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें दिखाई देते, आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल चढ़ाए कि सूर्य जल की गिरती धार से दिखाई दे। और इस बात पर भी ध्यान रखिए कि अर्घ देते समय हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सातों किरण शरीर पर पड़ती है, तभी सूर्य को जल अर्पण का पूरा लाभ मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा रहती है। सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य मंत्र पढ़ने के बाद सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें। इसके बाद अपने स्थान पर तीन परिक्रमा करें, आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। अभी हम देखते हैं कि कौन सी पात्र को हम जल चढ़ाने का समय यूज़ में करें। सूर्य को जल देने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी इस तरह की किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देते समय केवल तांबे के पात्र का ही प्रयोग सर्वाधिक उचित होता है। तांबे का लोटा न होने की स्थिति में आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि विशेष उद्देश्य के फल के लिए यानी विशेष तरह से सूर्य को अर्घ कैसे दें और कौन सी विशेष चीज के लिए हमको किस तरह जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बताएंगे हम शिक्षा और एकाग्रता के लिए यानी कॉन्सेंट्रेशन के लिए कैसे जल चढ़ाना चाहिए। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाएं, फिर जल चढ़ाएं। और उसके बाद हम स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए क्या मिलाना चाहिए जल में और उसके बाद कैसे चढ़ाएं, किस तरह चढ़ाना है उसके बारे में मैंने बता चुकी है। अभी हम स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रोली या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। शीघ्र विवाह या सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। और इंटरव्यू में सफलता के लिए जल में लाल गुड़हल का फूल डालें और फिर चढ़ाएं। पितर शांति और बाधा के निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। अभी हमको जीवन में सभी हिसाओं से लाभ के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अगर कुछ भी नहीं डालो, एकदम साफ सुथरा पानी यानी सादा जल अर्पित करें। जो भी बताए गए हैं मैंने पीछे, उसी तरह एकाग्रता के साथ स्नान सब करने के बाद सुबह 8 बजे के पहले आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, एकदम ताज़ा और साफ पानी से। अभी तक सभी को पता चला होगा कि सूर्य को अर्घ कैसे दें और किस चीज़ के लिए किस तरह यानी क्या मिलाकर जल में लोटे के पानी में क्या डालकर अर्घ देना चाहिए। तो सभी जरूर इसको एक बार अपना कर देख लीजिए और जिस तरह मैंने बताया उसी तरह बताकर कर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जरूर मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे एक नया कहानी के साथ या कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।